हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं, जो गाड़ी है टाटा की, टाटा हेक्सा। थोड़ा सा गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, एसी वगैरह नहीं चल रहा, कुछ लाइट वगैरह आ रही है, तो इसको हम लोग डायग्नोस करते देखते कुछ एरर वगैरह इसके अंदर में शो कर रहा है क्या। और इसका जो ओबीडी का कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, देख सकते हो, इसको डायग्नोस कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कुछ फॉल्ट कोड वगैरह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे डायग्नोसिस, और उसके बाद ऑटो विन देखते, फिर ऑटो विन जो डिटेक्टेड कर रहा है कि नहीं ऑटो। तो इसने विन नंबर रीड कर लिया, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर जो है ऑप्शन डायरेक्ट आ गया, डायग्नोस इमोबिलाइजर। विन नंबर जो है इसने इसका डिटेक्ट कर लिया, गाड़ी क्या है क्या नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे डायग्नोस, देख सकते हो बोल्ट, एंडिका, विस्टा, ये सब गाड़ी आ गया, हैरियर। तो ये गाड़ी है हेक्सा, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे हेक्सा पे। और ये पूछ रहा है कौन सा है, ये EX है, XMT, 4X4 क्या है, इसका डिटेल पूछ रहा है। तो ये जो गाड़ी है XTA जो है, 4X2 ये सब पूछ रहा है, तो XTA है ये गाड़ी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता हूँ, जो भी एरर रहेगा देख लेते क्या एरर है। और बाकी इसके लिए मैं यहाँ पे ऑटो स्कैन पे क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर 11 मॉड्यूल्स है, जैसे कि देख सकते हैं 1 से लेकर 11 मॉड्यूल है। तो पूरा डायग्नोस करेगा ये, इंजन के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, नो DTC दिखा रहा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर एक फॉल्ट दिखा रहा है, देख सकते हो। थोड़ा इसी कर देता हूँ मैं स्लो, इंस्टॉलमेंट क्लस्टर। तो इसने स्कैन कर लिया, यहाँ से जाते हम DTC रिपोर्ट, कंट्रोल मॉड्यूल, इनपुट पावर है, सर्किट वोल्टेज, फ्यूज, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में, और काफ़ी फॉल्ट आ रहा है इसके अंदर देख सकते हो, इग्निशन शॉर्ट टू बैटरी, डिलाइट, BCM सिग्नल शॉर्ट टू ग्राउंड, रियर लेफ्ट विंडो, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द हेड यूनिट। तो एक बार करता हूँ मैं फॉल्ट क्लियर, यहाँ से क्लियर DTC। DTC रिपोर्ट, तो देख सकते हो बहुत सारे फॉल्ट इसके चले गए, अभी भी इसके अंदर कुछ फॉल्ट है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन ये शो नहीं कर रहा, जो इसका डिस्क्रिप्शन रहता है वो शो नहीं कर रहा इसके अंदर, मतलब लिख के नहीं आ रहा इसके अंदर। बॉडी कंट्रोल मैनेजमेंट यूनिट इसके अंदर फॉल्ट है, एंटी डेफ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और रिवर्स पार्किंग यूनिट के अंदर फॉल्ट है, ये फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ बैक, सिस्टम सेलेक्शन अपने को चेक करना है, इसका क्या क्या है, फुल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, रेड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, एक्टिवेशन टेस्ट, ब्लोअर स्पीड, पोजीशन ऑफ एयर इंटरनल डोर, पोजीशन ऑफ टेम्परेचर डोर, पोजीशन ऑफ डोर, रियर कंप्रेसर रिक्वेस्ट स्टार्ट। इसका AC ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ब्लोअर जो है इसका चल रहा है वो काम नहीं कर रहा है, और भी 2-3 फॉल्ट दिखा रहा था, तो फॉल्ट क्लियर हो गया इसके अंदर। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे कंप्रेसर रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ पे ऑन, ऑफ, ओके, वापस से एक बार ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन, लाइट डाटा में जाके चेक करते क्या है। सेलेक्ट ऑल, ओके, तो देख सकते हो AC का कंप्रेसर ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे,
अगर ब्लोर मैं बंद करता हूँ यहाँ से, तो ब्लोर मैंने ऑफ कर दिया है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर ऑटो, तो देख सकते हो इसका मैंने एसी ऑन किया बट कंप्रेसर ऑन नहीं दिखा रहा। ठीक है, एसी जो कंप्रेसर स्टेटस है वो इसका ऑन नहीं है, तो एसी नहीं चल रहा, वो चेक करना पड़ेगा बीसीएम में प्रॉब्लम है या गैस वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी ऑन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, और आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सही है, जैसा कि देख सकते हो 33 दिखा रहा है इसके अंदर। ब्लोअर स्पीड, तो ब्लोअर स्पीड चेक करते, देख सकते हो ब्लोअर स्पीड इसका कम हो रहा है, मैंने बंद कर दिया तो बंद हो रहा है, यहाँ से ब्लोअर स्पीड ओके काम कर रहा है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसा चेक करते। इंजन स्पीड भी ओके है, व्हीकल स्पीड की गाड़ी खड़ी है, कूलेंट टेम्परेचर ये सब ओके दिखा रहा है इसके अंदर। तो बाकी फॉल्ट चले गए, अब इसके अंदर देखना पड़ेगा इसको, जो क्या कहते हैं एसी इसका ऑन नहीं हो रहा है, गैस वगैरह है क्या नहीं है, या तो फिर बीसीएम में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं ये वीडियो में ये बता रहा था टाटा हेक्सा स्कैनिंग करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।